फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा कंप्लीट करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हमारे साथ बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है इनकी, और इंजेक्शन कैसे लगाना है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टाइप ऑफ इंजेक्शन। क्योंकि बहुत से हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट आते हैं कि सर, आई एम फार्मासिस्ट, क्या मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ। ये होता क्या है कि यूपी एंड बिहार जो नॉर्थ इंडिया है उसके विद्यार्थी नहीं पूछते हैं, लगभग दूसरे स्टेट के लोग पूछते हैं। फार्मासिस्ट साथियों, क्या होता है कि जो दवा का रखरखाव है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ है, मेडिको लीगल ड्यूटी जिसमें संपादित होती है, वीआईपी ड्यूटी संपादित होती है, सभी कुछ देखने का काम फार्मासिस्ट का है। साथियों, जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट। तो साथियों, आज इंजेक्शन रूम में है, बहुत तरह के साथियों हमारे पास इंजेक्शन है, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिस्ट है साथियों, एविल इंजेक्शन है साथियों, कैसे लगता है उसके बारे में क्या है, एंटी रेबीज है, अभी तो टाइम हो गया है, बहुत से पेशेंट चले गए, नहीं तो आपको कैसे लगता है वो भी बताता है। एमॉक्सिसिलिन है, एमिकासिन है, बीटा मेथासोन है, डेक्सामेथासोन है, डेरिफ्लिन है, सभी तरह के देखिए इंजेक्शन है। एथम साइलेट है, जैसे एथम साइलेट इंजेक्शन है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अगर किसी को ब्लड आ रहा होता है, फेफड़े से ग्रसित है और उनको मुँह से ब्लड आ रहा है उसमें, अदरवाइज सभी साथ क्या होता है कि साथियों साथ ही साथ रैंटिडीन है साथियों, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। रैंटिडीन क्या क्या है, किसी को पेट में जो है प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया है, जबकि कल्सर है, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, पेट में जो है दर्द हो रहा है, इस तरह की समस्याओं की उसमें लगाया जाता है। साथियों, मेट्रोप्रामाइड है जिसको हम पेरिनाम ब्रांड से भी जानते हैं, ये क्या होता है, पेट में जो है ऐंठन मरोड़ जो दर्द होता है, और यह होता है महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है उसमें बहुत ज़्यादा जो दिक्कत होती है तो उस केस में भी लगाया जाता है, स्टोन होता है उसमें भी लगाया जाता है। साथियों, ओनियन सेट्रॉन है, वोमिटिंग के लिए होता है, नोजिया, वोमिटिंग, और भी बहुत से यूजेस हैं, हिडन यूजेस हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी की जाती है, ये जो है दैट टाइम जो है इस इंजेक्शन को दिया जाता है। साथियों, इस तरह से साथियों डेरिफ्लिन है, डेरिफ्लिन क्या होता है कि ओल्ड एज जेरियाटिक रिकवरी होते हैं, उनकी सांस फूलती है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो हमारे पास इस तरह से साथियों बहुत से इंजेक्शन है, ये देखिए इस तरह से, इसमें कौन सा इंजेक्शन है, क्या है, एमरजेंसी ट्रे है, एथम साइलेट है, डिटोफाइलिन, डेरिफाइलिन है साथियों, डाइक्लोफेनिक दर्द का है, डेक्सामेथासोन है, सभी तरह के इंजेक्शन है, और हम सभी बच्चों को सिखाते हैं साथियों कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जैसे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है साथियों, हमेशा आईएम ही लगता है, लेकिन साथियों क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में जो हायर सेंटर होते हैं, स्पेशलिटी होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है या पीजीआई है या फिर एम्स है, उसमें क्या होता है कि स्पेशली कुछ इंजेक्शन जो बनाए जाते हैं वो आईवी भी दिए जा सकते हैं, बट वो क्या होता है, जिससे भर्ती मरीज होता है, एक्सीडेंटल केस होता है, मरीज कॉन्शियस हो जाता है तो उसको बोतल में चढ़ाया जाता है, उस इंजेक्शन पर साथियों क्या होता है मेंशन भी होता है कि आईवी यूज ओनली, अदरवाइज 99% इंजेक्शन जितने होते हैं डाइक्लोफेनिक के वो आईएम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इस इंजेक्शन किसी के साथ जो है मिला के नहीं लगाया जा सकता है, जैसे रैंटिडीन और डाइक्लो लिखा गया है, किसी को बहुत ज़्यादा अचानक पेट में दर्द है या शरीर में कहीं पे भी दर्द है तो उसमें क्या होता है रैंटिडीन भी लिखते हैं और डाइक्लो भी लिखते हैं, लेकिन सेपरेट उसको लगाते हैं। तो इस तरह से साथियों बहुत से इंजेक्शन है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि जब पेशेंट रहेगा और इंजेक्शन लगाएंगे उसके बारे में बताएंगे साथियों। साथ ही साथ हमारे साथ मिक्स स्टूडेंट हैं, बी फार्मा के भी हैं जो 45 डेज की ट्रेनिंग करते हैं, डी फार्मा के भी हैं जिनका 90 डेज, कहने का मतलब है 500 आवर्स का ट्रेनिंग होता है। तो साथियों इस तरह से इंजेक्शन रूम के बारे में आज हमने जाना, नेक्स्ट टाइम आपको किस तरह की जानकारी चाहिए या आप क्या जानना चाहते हैं आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार, छोटी वीडियो धमाल कर दे।